तो गाइस हॉस्पिटल आ गए हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर देखो क्या है पीछे, इधर हल्दीराम है, इधर है बरिस्ता, यहाँ पर नेस कैफे, मैगी और मैं पहली बार आया हूँ इस हॉस्पिटल के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम नाना को देखने के लिए क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तक। फिर आगे होली का त्यौहार शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो आज संडे है तो हम आज जाके देख के आते हैं और देखते हैं हमें वार्ड में मिलने के लिए परमिशन मिलती है कि नहीं। चलते हैं, मैं और मम्मी जा रहे हैं सिमरन और भाई घर पे, निकलते हैं जल्दी क्योंकि बहुत दूर है और हमें पहुंचने में टाइम लगने वाला है। तो गाइस अब हम आ गए हैं कश्मीरी गेट मेट्रो नई वाली लाइन पर जो कि जाती है जसोला, और हमें वहीं जाना है अपोलो हॉस्पिटल। तो हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का, मेट्रो आ जाएगी तो फिर हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस मेट्रो से उतर गए हैं, अब चलते हैं सीधा हॉस्पिटल और चल के नाना के हालचाल ले लेते हैं। वैसे आज हम सोच रहे थे एक जगह और जाने की, बट लेट हो जाएंगे, अब लगभग 3:15 का टाइम तो यहीं हो रहा है, तो यहाँ से फ्री होने के बाद कुछ हम घर ही जाएंगे। मम्मी भी आ रही है पीछे। तो एक बात तो गाइस मानने वाली है कि मेट्रो की वजह से भाई समय बहुत बचता है, क्योंकि हम आए हैं लगभग बदरपुर बॉर्डर की साइड, हम आए हुए हैं हॉस्पिटल, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं बता रहा हूँ मात्र अपने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से मुझे लगता है हम 15-20 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गए हैं। और जब मेट्रो नहीं थी तो बस से या ऑटो से आप प्राइवेटली यहाँ पे आओगे ना 300-400 रुपये किराया आपका आराम से ढूंढ जाएगा। तो मेट्रो बहुत हेल्प करती है, बस यही बताना चाह रहा हूँ। तो गाइस हॉस्पिटल आ गए हैं और ये हॉस्पिटल के अंदर देखो क्या है पीछे, इधर हल्दीराम है, इधर है बरिस्ता और आगे और भी आउटलेट्स हैं। तो ये हॉस्पिटल प्लस मॉल जैसा लग रहा है मुझे, यहाँ पर नेस कैफे, मैगी और मैं पहली बार आया हूँ इस हॉस्पिटल के अंदर। नानू अभी ऊपर हैं तो बाहर चलते हैं, हमारे एक और नानू आए हुए उनसे मिल लेते हैं पहले बाहर चल के, फिर वापस आके अगर एंट्री हो जाएगी तो वार्ड में जाके फिर मिल के आएंगे। ठीक है, फिलहाल बाहर चलते हैं। मम्मी तो सेकेंड टाइम आई है, बट मैं देख रहा हूँ शॉप्स वाइस अब सब कुछ है, ये हॉस्पिटल कम मॉल ज़्यादा है। चलते फिर बाहर ही है फार्मेसी अपोलो हॉस्पिटल की, क्या मस्त लग रही है फार्मेसी देख रहे हो। और इधर अभी एटीएम बन रहा है तो ये एटीएम है लग रहा है, यहाँ पे ऊपर शेल्टर देखो पूरा पूरा वही फील आ रहा है मम्मी। हुँ? हम मॉल में हैं, हॉस्पिटल में आए हैं, मेरे को तो मॉल लग रहा है, लग रहा है। तो पीछे सिक्योरिटी चेक पास कर आ गए हैं हम अंदर, ये पास मिला है हमें, इससे एंट्री करके दो लोगों को अंडर एंट्री करने के लिए भेज दिया है, वो हम ऊपर चलते हैं। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं। गाइस मेरी एंट्री नहीं हो पाई, मम्मी को भेज दिया है फिलहाल, कह रहे एक टाइम पे एक ही बंदा जाएगा, बाकी नानी है वहाँ पे, देखते हैं मेरी बारी आएगी तो मैं भी जाऊँगा। तो गाइस नाना से हम मिल लिए हैं, मैं और मम्मी दोनों, गार्ड ने जाने नहीं दिया लेकिन थोड़ी देर बाद मैं वेट करके मतलब उसके सामने मैं खड़ा रहा था, फिर उसने फाइनली मेरे को जाने दिया। तो नानू अभी ठीक है, कल घर पर आ जाएंगे तो फिर कल चलते हैं उनसे मिलने के लिए। कल क्या, अब तो होली के बाद ही जाएंगे मिलने के लिए मे बी, या मंडे प्लान बनेगा तो मंडे हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ है, कौन आया मिलने के लिए? वो कहाँ पर है भैया? हाँ सुमित भाई, चलते हैं फिर अब घर। तो गाइस नाना को देख लिया, अब चलते हैं घर सीधा, लेकिन अब भूख लग रही है तो घर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। मम्मी ने देखो क्या ऑर्डर किया, मम्मी चाचा को देखने आई थी रास्ते में, भूख लगाई, पापड़ी है, वर्मा बोल गप्पे हैं, क्या ये खाओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा खास। और भूख लग रही है भाई, भूख का क्या कर सकते हैं, सही है। तो गाइस घर पर आ गए हैं और मेट्रो से आने में काफी टाइम लगता है तो थक गए हैं, हालांकि सफर छोटा हो जाता है लेकिन फिर भी 1.5-2 घंटे तो घर आने में लग जाते हैं। वहां से हॉस्पिटल गए थे हम अपोलो, अब थक गए हैं, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है तो चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा सा। मैं लेकर आ गया हूँ मम्मी का जादू मतलब मॉम्स मैजिक, और थोड़े सी बस अपने चकना पानी, चाय पी लो गाइस।
ये चार ग्लास आ गए, मम्मी का, मेरा, सिमरन का और भाई का। तो नाना का ऑपरेशन हो गया है, अब बस यही है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं दोबारा, फिर उनको हम घर पे देखने के लिए जाएंगे। अभी वो यहीं पर मौसी के घर पे रुकेंगे, सिमरन मौसी के, या मैं भी, बाकी देखते हैं। आज हम घूमने जाने वाले थे ऐसे मुगल गार्डन के लिए, मैंने रिजर्वेशन किया था, मतलब बुकिंग की थी, बट घर से हम काफ़ी लेट निकले, प्लान कैंसिल हो गए, जिसमें नकुल का भी मैंने नाम ऐड कर रखा था बट कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम चलेंगे, देखते कब तक जाता है, क्योंकि 24 या 26 मार्च तक खुला रहेगा मुगल गार्डन, तब तक मुगल गार्डन, सॉरी, अब उसका नाम हो गया है अमृत उद्यान, अब उसका नाम हो गया है। तो देखते हैं, मम्मी आवाज आ रही है, पता आपको, इस पन्ने की कचर पचर करने की। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के अंदर। कहीं से नए आ गए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और पिछले ब्लॉग्स भी जाकर आप मेरे चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, चल चलते हैं।